यहाँ पर हमारे ब्लाउज को जो हमारा अस्तर है उसको मेन पीस से हम जोड़ रहे हैं। इसको हम सिलाई लगाएंगे एक पैर की। आप धीरे धीरे लगाइए। इस तरह आप सिलाई लगा लिए। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लीजिए। इसके बाद आप गोलाई पे नोचेस लगा लीजिए। नोचेस इस तरह कैसे लगाइएगा कि ताकि आपकी सिलाई ना कटे। पास पास नोचेस लगा लीजिए ताकि कपड़े को जब हम पलटेंगे तो ये आसानी से पलट जाएगा। ये मैंने मेरे नोचेस लगा लिए। ये इस तरह मैंने इसको पलट लिया है। आप चाहे तो इस पे प्रेस कर सकते हैं, बट मैंने इस पे प्रेस नहीं करी है। इसके बाद आप इस पे लेस लगाएंगे तो वो हम बाद में लगाएंगे। इसी तरह आप दूसरा भी कंप्लीट कर लीजिए। आपको जो सिलाई लगानी है वो अपने अस्तर के कपड़े पे लगानी है, और आपका जो मेन कपड़ा है उसको आप वो नीचे रखना है। आपको ये इस सिलाई इसलिए लगानी है इस तरीके से, क्योंकि ऐसे सिलाई लगाने से आपका जो अस्तर का कपड़ा है वो बाहर नहीं दिखता। ना बहुत सारे लोगों के ब्लाउज में अस्तर का कपड़ा हमेशा बाहर दिखाई देता है। इस तरीके से सिलाई लगाने से आपका कपड़ा बाहर नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर एक पैर की आप सिलाई लगाइए। ये मैं एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ। ये दोनों की सिलाई मैंने लगा ली है। इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे तो आपका जो अस्तर का कपड़ा है वो बाहर नहीं दिखेगा। आइए हम इसके जो डिज़ाइन है वो रेडी करते हैं। ये इस तरीके से हमारा कैनवास और जो पीस हमें बाहर चाहिए वो रखेंगे हम ऊपर, और फिर इसके बाद हमारा अस्तर रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। आइए हम इस पर सिलाई लगाते हैं। ये इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। जो भी एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हल्के हल्के से नोचेस दे देंगे ताकि कपड़ा आराम से मूव कर सके। ये
इसको फिर हम पलट देंगे। इसी तरह आपने जो पेज बनाया है उसके ऊपर भी अस्तर पे सिलाई दीजिएगा, दाब की सिलाई बोलते हैं इसको। ये हमने हमारी सिलाई दे दी है। ये भी एक पेच है जो उसमें बीच में लगेगा। आई एम इसको रेडी करते हैं। इस तरह आपने पेज को जोड़ लीजिए, आराम आराम से सिलाई लगाइए। इस तरह पेच हमने अपने जोड़ लिए हैं। इनमें आप टक्स लगा दीजिए। ये पीछे बैक में आप टक्स लगा दीजिए इनके, और फिर इसके बाद इसको लेस से डेकोरेट कर दीजिए। अब मैं इसमें लेस लगा रही हूँ। थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाऊंगी, मतलब थोड़ी दूरी छोड़ के लगाऊंगी ताकि एक पाइपिंग जैसा लुक क्रिएट हो सके। धीरे धीरे लगाइएगा आराम से।
ये बस यहीं तक लगाइएगा, क्योंकि बाकी तो ये फिर सब दब जाएगी। इस तरीके से मैंने एक लगा ली है, एक और लगा लेती हूँ। ये हमारा बीच वाला हिस्सा भी हम जोड़ लेंगे। ये हमारा फाइनल डिज़ाइन है। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।